तो दोस्तों आज हम वीडियो बना रहे हैं इस सेंसर के ऊपर जो कि बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारी गाड़ी के अंदर, गाड़ी में ब्लैक स्मोक का आना और माइलेज कम हो जाना और परफॉर्मेंस का वीक हो जाना, ये सारी चीज़ें इस सेंसर की वजह से हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सेंसर कहाँ होता है, कैसे काम करता है और क्या हमको करना चाहिए, इसको कैसे क्लीन करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो सेंसर है ये है कैमशाफ्ट सेंसर। कैमशाफ्ट सेंसर का काम क्या है, जैसे जैसे कैमशाफ्ट घूमती है उसकी जानकारी ये ECU को देता है और किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये कैमशाफ्ट है इस तरीके से रहती है और जैसे ये मूव करती है तो ये इसका इंडिकेशन ECU को पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक वेव्स हैं, ये मैग्नेटिक वेव चलती हैं, मैग्नेट होता है इसके अंदर और इसको हम चेस्ट करेंगे अगर किसी चीज़ पर चिपकाएंगे तो ये चिपकेगा, मैग्नेट होती है, और ये सारे सिग्नल्स सीधे ECU को देता है और ECU इससे डिसाइड करता है कि अभी वॉल किधर हैं, कहाँ पर हैं और कितना फ्यूल इंजेक्ट करना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे गाड़ी की तरफ और मैं दिखाता हूँ आपको ये कहाँ है इसका सेंसर की लोकेशन और कैसे इसको खोलेंगे, रिपेयर करेंगे, साफ़ करेंगे, कैसे करेंगे। ये देख लीजिए, सबसे पहले ये एयर फिल्टर को हटाऊंगा मैं और ये ऊपर का कैप हटाऊंगा क्योंकि इसके नीचे रहता है। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का काम वो है कैमशाफ्ट की लोकेशन को बताना और वो कैमशाफ्ट के ऊपर ही लगा होता है। तो इसके लिए पहले मैं ये एयर फिल्टर को खोल लेता हूँ, एयर फिल्टर खोलता हूँ क्योंकि मुझे और भी काम है, अदरवाइज़ बिना एयर फिल्टर खोले साइड से भी हम निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं इसको पूरा हटा रहा हूँ ताकि वो इजीली मैं निकाल सकूँ। एयर फिल्टर खोलने के बाद हम ये पूरा लाइन हटाएंगे, लाइन हटा के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ इस सेंसर के बारे में। और ये सेंसर अभी हम क्लीन करेंगे, अक्सर क्या होता है कि इस पर डिपॉजिट मतलब यानी कि कुछ कचरा जमा हो जाता है और कचरा जमा होने के बाद वो वेव्स उतने अच्छे से नहीं पहुंचा पाता जैसा कि उसको पहुंचाना चाहिए, तो इसके लिए हम इसको क्लीन करेंगे। मैं आपको बताता हूं बहुत आसान है ये, आप लोग आराम से अपने घर में क्लीन कर सकते हैं और इससे गाड़ी का परफॉर्मेंस 100% परफॉर्मेंस बढ़ेगा और जो माइलेज है माइलेज भी अच्छा होगा। तो ये देखिए नीचे की तरफ ये दिख रहा है आपको, ये जो लाइन जा रही है ये एयर की, एयर डक्ट के नीचे ये सेंसर है, इसके ऊपर सिर्फ एक बोल्ट होता है 10 नंबर का, वो 10 नंबर का बोल्ट खोल के हमें इसको बाहर निकाल लेना होगा और 10 नंबर का बोल्ट खोल के इसे बाहर निकालेंगे और फिर मैं इसको बताऊंगा आपको कैसे क्लीन करेंगे। रूटीनली ये हमको कर लेना चाहिए दो सर्विस के बाद, या हर सर्विस में भी कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। ये देखिए ये मूव करते हैं इसको, 10 नंबर का बोल्ट है इसमें और इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको हम ले चलेंगे क्लीन करने के लिए, क्लीन करना भी बहुत आसान है, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आपके लाइक करने से थोड़ा सा भरोसा बनता है और काम करने की और एक इच्छा पैदा होती है, तो इसी तरह से मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर हमारा आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहेगी। ये देखिए जैसे कि मैंने ये सेंसर निकाल दिया, ये है इसका सेंसर, इसके ऊपर देखिए ये गंदगी जमा है और क्योंकि गंदगी जमा होने की वजह से ये सिग्नल को प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पाएगा, तो इसके लिए हम इसको क्लीन कर लेंगे और क्लीन करके फिर इसको लगाएंगे। तो आते हैं यहाँ क्लीन करने के लिए। ये देखिए सबसे पहले ये रबड़ रिंग हमको उतार लेना है। रबड़ रिंग मैंने इसलिए उतारा है क्योंकि मैं जिस केमिकल से इसको क्लीन करूँगा उस केमिकल से इस रबड़ पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है और ये फिटिंग बराबर नहीं होगी, तो इसके लिए मैंने ये रबड़ उतार ली है। अब इसके बाद मैं इसको क्लीन करूंगा एक CRC क्लीनर से, CRC इलेक्ट्रो क्लीनर है, मैं उससे इसको क्लीन करूंगा और क्लीन करके वापस से गाड़ी में फिट करूंगा। और अहम रोल प्ले करता है ये गाड़ी के इंजन के अंदर, क्योंकि अगर सही सिग्नल ही गाड़ी को ECU को नहीं पहुंचेगा तो वो सही से डिसाइड नहीं कर पाएगा कैसे करना है। मेरे पास वैसे ही WD-40 भी है लेकिन मैं WD-40 से भी नहीं करूँगा, इसको CRC से करूँगा। WD-40 मैं सेंसर के लिए यूज़ नहीं करता हूँ और मैं सेंसर के लिए ये CRC 226 ये ही यूज़ करता हूँ। तो अभी CRC क्लीनर से मैं क्लीन करूँगा इसको, क्योंकि इसमें थिनर के पार्टिकल्स भी होते हैं तो इस वजह से वो रबड़ ना ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने वो रबड़ हटा दी थी। रबड़ हटाने के बाद इसको स्प्रे करेंगे, सिंपल, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से स्प्रे करके इसको क्लीन कर सकते हैं। और ये कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है कि हमको इसके लिए गैराज पर जाना पड़े या किसी मैकेनिक को बोलना पड़े, इसी काम के छोटे से काम के मैकेनिक आपको बिना देखे हुए हज़ारों रुपए ले लेते हैं जी, हमने ये काम किया वो काम किया, लेकिन ये छोटे छोटे काम होते हैं और मेरा पर्पज़ भी यही है वीडियोस बनाने का कि मैं आपको इन छोटे छोटे कामों से समझा सकूं कि ये छोटे काम आप भी कर सकते हैं और इसको अगर समझ लेंगे तो आपके पॉकेट बेवजह खाली नहीं होगी। तो ये देखिए मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसको क्लीन करने में और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस है कि जी किसी से नहीं होगा, एक नॉन टेक्निकल आदमी में मैं देखूँ तो ये आराम से निकाल सकता है क्योंकि इसमें इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ इसको निकालना है,
क्लीन करना है और उसी तरह से फिट करना है। ये देखिए बस छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ आपको कि वो चीज़ें आप ध्यान रखें ताकि आपको इसमें आगे कोई मिस्टेक ना हो। जैसे कि रबड़ वाली चीज़ थी, अगर आप लोग ये स्किप करके देख रहे होंगे तो स्किप करने में आपका वो जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो रह जाएंगी। तो दोस्तों स्किप करने को अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो बीच में जो छोटी चीज़ें रह जाएंगी तो उससे आपको कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, और आपने पूरा देखा तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी तरह से देखिए मैंने ये क्लीन किया इसको और अब ये रेडी हो चुका है फिट करने के लिए। अभी इसको ले चलेंगे हम गाड़ी में फिट करेंगे, और फिट करने का तरीका भी आप लोग देख लीजिएगा। बस छोटी छोटी चीज़ें मिस मत कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, अपना प्यार बनाए रखेंगे तो फिर मैं धीरे धीरे सारे सेंसर से एक करके सारे वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आ गए हैं हम लोग गाड़ी के पास, और ये शेवरलेट बीट है मेरे पास गाड़ी, सॉरी बताना भूल गया था मैं। ये देखिए ये उसी जगह जैसे मैंने निकाला था वैसे ही इसको लगा लिया, और ये मैं इसको टामी से टाइट कर दूंगा। ये डक्ट मैंने इसलिए खोली थी ताकि मुझे ऊपर से टी टामी लगाने में आसानी हो। अगर आप लोग नहीं भी खोलेंगे तो आप रिंच होगा आपके पास, रिंच से इसको खोल सकते हैं। रिंच यानी कि जो यू टाइप में होता है उससे आप लोग खोल सकते हैं। मुझे टी से खोलना था और भी कुछ काम था गाड़ी में, इस वजह से मैंने ये खोला था। तो इसको आप लोग उसी तरह से सीधा लगा दीजिए। एक ही बोल्ट है क्योंकि एक बोल्ट का आपको वो साइज़ मैच कर लेना है, जहाँ पर उसका पॉइंट आ रहा है वहीं मैच करके और इस रबड़ को बैठा देना है अच्छे से, और बैठाने के बाद इसको हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद सिंपल अभी इसको हम लगाएंगे, और कनेक्टर्स जो मैंने बताया था आपको, कनेक्टर्स जब भी लगाते समय कनेक्टर्स के अंदर कट्स बने होते हैं वो आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लें। जैसे कि ये कनेक्टर है और ये मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए इसके कट्स बने रहते हैं, वो कट को मैच करना ज़रूरी है। वो कट मैच करके और आप इसको लगा दीजिए, बस और कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।